ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 3 मई 2020 रविवार का दिन है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं एवं एकादशी तिथि रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दशमी युक्त एकादशी होने से इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 4 मई सोमवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। हालांकि कई पंचांगों के अनुसार 3 मई को ही एकादशी बताई गई है और कई लोग एकादशी का व्रत भी करेंगे, लेकिन आप यदि संपूर्ण फल एकादशी का प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 4 मई सोमवार को ही एकादशी करना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा जो कि सिंह राशि में, मंगल ग्रह मकर राशि में, बुध मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष सिंह तुला धनु कुंभ और मीन ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के संकेत इनको प्राप्त होंगे। इसके अलावा घर परिवार में कोई नई खुशियां आ सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। काम अधिक रहेगा। महत्वपूर्ण मामलों पर कोई फैसला लेने से पहले शांतिपूर्वक विचार करें। कोई नया प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण मीटिंग आज कर ले, समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएगी। शत्रुओं से सावधान आपको रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सामान्य रूप से सुधार आपको महसूस होगा और उपाय के रूप में भगवान सूर्यदेव को यदि आप लाल फूल डाल करके जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। व्यवसाय में कार्यक्षेत्र में आपको फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। पुराने कर्मों का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। नए लोगों से मुलाकात तथा दोस्ती होगी। आपको दूसरों की मदद का अवसर भी मिलेगा। आप फायदे के कारण जो है दूसरों की मदद भी करेंगे, खुद से प्रेम करेंगे, अपने कामों का पूरा विश्लेषण भी करें। अपने सामान का ध्यान आपको रखना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी को पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नए विचार आपके मन में आ सकते हैं। कई तरह के फायदे आपको प्राप्त होंगे। कैरियर में किसी नई योजना के साथ आप आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होने का योग है। यात्रा होगी। मीठा बोलकर अपने सभी कामों को आप पूरा करवा लेंगे। दोस्तों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक तनाव रहेगा। पैसा संभाल कर रखें और किसी तरह का शॉर्टकट यूज न करें। उपाय के रूप में माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आप अपने काम पर ध्यान दें, इससे अधूरे काम समय पर निपट जाएंगे। इधर उधर मन को न भटकने दें, अपने लक्ष्य को बनाकर रखें। कुछ जरूरी मामलों को जल्द ही निपटाने की आप कोशिश करेंगे, उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। रहन सहन और तौर तरीकों में बदलाव होगा। महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात या चर्चा होगी। उपाय के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
खरीदारी की इच्छा आपकी रहेगी। कोई रोचक खबर भी आपको मिल सकती है। आपको देखकर दूसरे लोग अपने जीवन में बदलाव की कोशिश करेंगे। आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, कुछ बहुत रोचक बात भी आपके सामने आ सकती है। किसी के साथ विवाद में न पड़े, कामकाज में खूब मन लगेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, घर का माहौल भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता रहेगी, आर्थिक समृद्धि या नए काम के संकेत आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। दिन आपके लिए अच्छा है, सोचे हुए काम पूरे कर सकते हैं, कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, कंफ्यूजन भी लगभग समाप्त हो जाएगा, आपको बड़ा फायदा होगा, कई सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपने पैसों से जुड़ा यदि कोई बड़ा फैसला किया है तो वह मामला फिर से उठेगा। पैसों की स्थिति पर बारीकी से विचार आपको करना चाहिए। नौकरी बदलने का विचार या काम बदलने का विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेगी और बिजनेस में कोई नई योजना आप बना सकते हैं। उपाय के रूप में हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए सुफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। महत्वपूर्ण मामला जो पेंडिंग है उसका कोई न कोई समाधान आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, कामकाज अधिक रहेगा, बिजनेस में नई योजनाओं पर आप काम करना शुरू कर देंगे, कुछ नए लोगों से आपकी चर्चा होगी और उनसे बातों ही बातों में कोई काम की चीज आपको मिल जाएगी। संतान पक्ष की उन्नति का समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई समस्या जो बहुत दिनों से आपको घेर कर रखी है उसका भी समाधान निकालने में आप सफल हो जाएंगे। कुछ करीबी लोगों से भी आपको मदद प्राप्त होगी और कोई आपके काम में दखल देने का प्रयास भी कर सकता है। घर में किसी के विवाह या मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा होगी। घर परिवार के साथ रहने का भरपूर अवसर आपको प्राप्त होगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आप शामिल होने की जो है इच्छा रखेंगे। और उपाय के रूप में माता लक्ष्मी जी को एक पीला फूल चढ़ाना आपके लिए सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। व्यस्तता अधिक रहेगी, दिन आपके लिए शुभ है, फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर या घर पर ही आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। धैर्य रखें, समस्याओं का समाधान भी हाथों हाथ मिल जाएगा। और नौकरी धंधे के लिए दिन सामान्य है। संतान की उन्नति से आपको खुशियां मिलेगी। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम होगा। जीवन साथी आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। यात्रा में अपनी वस्तुएं आप संभाल कर रखें। अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। जल्दबाजी या जोश में आकर के कोई भी वादा न करें, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप पान खाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। रुके हुए काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। बड़े लोगों और पब्लिक से संबंध बनाकर चले। नई जिम्मेदारी या पद मिलने की आपको योग या संकेत प्राप्त होंगे। आप व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। पैसों से जुड़े नए सौदे भी हो सकते हैं। ऑफिस के काम कुछ नए लोग की मदद से पूरे हो जाएंगे जो आपको फायदा देंगे। व्यवसाय में अच्छे कामों की आपकी तारीफ होगी। नए लोगों से दोस्ती, मुलाकात या चर्चा होगी। दोस्तों से संबंधों में सुधार होगा। योग्यता और अनुभव से आपके काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। आज आप व्यस्त रहेंगे, आपको अपनी इच्छाएं थोड़ी मारनी पड़ेगी। जो काम आपको पसंद नहीं है, नहीं चाहते हुए भी उसे आपको करना होगा। और उपाय के रूप में पीले चावल यदि आप मां लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कुछ नया करना यदि आप चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। मन में कई प्रकार के सपने और कुछ गंभीर विचार आ सकते हैं। आप आगे बढ़ने के विचार में बहुत ही खोए रहेंगे। कठिन मामलों को आज आप सुलझा लेंगे। सोचे हुए काम पूरा कर सकते हैं। आपको मेहनत का फायदा प्राप्त होगा। आसपास के लोग किसी न किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं। आज परिवार के कुछ लोग भी आपके कारण दुखी हो सकते हैं। किसी बात का अनजाना डर आपको परेशान करेगा। किसी पुरानी बात को लेकर के थोड़ी टेंशन भी हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि एक लाल फूल आप माँ दुर्गा को चढ़ाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। किसी खबर का यदि इंतजार है तो वह आपको मिल जाएगी। जरूरी काम निपटाने की कोई योजना आप बना सकते हैं। योजना पर काम शुरू हो जाएगा। साथ के लोगों से आपको मदद भी मिलेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। जीवन साथी से आपको सपोर्ट प्राप्त होगा और कोई अनचाही घटना का संकेत भी आपको मिलने वाला है। उपाय के रूप में धनिया और मिश्री मिलाकर के यदि आप खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी काम के लिए एकदम नए सिरे से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जितना हो सके दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। आज आप खुद को नकारात्मक विचारों से बचाकर चले। कोई नया काम शुरू करने से पहले संबंधित अनुभवी व्यक्ति से सलाह कर ले। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। कुछ हद तक आप सफल भी हो जाएंगे। फालतू की चिंता से आपको बचना चाहिए। उपाय के रूप में घर के मंदिर में मिश्री चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।